पश्चिम राजस्थान का मरुसागर बांध असुरक्षित है। सुमेरपुर क्षेत्र के जवाई बांध की सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी गंभीर नहीं है। बांध और हवा महल क्षेत्र तक जाने वाला मार्ग एक साल से क्षतिग्रस्त है। बांध तक जाने वाली सड़कें जगह जगह से टूटी हुई हैं। इससे यहां जाने वाले लोगों और वाहन चालकों को परेशानी होती है। अंधेरा होने के बाद यहाँ के प्रवेश द्वार पर किसी के आने की कोई रोक टोक नहीं और ऐसे में बांध क्षेत्र में हर समय खतरा बना रहता है। बांध पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे और ऐसे में ये आत्महत्या करने वालों के लिए सुरक्षित स्थान बनता जा रहा है। पाली और जालौर जिले के लिए सिंचाई पेयजल का प्रमुख स्रोत होने के बाद भी यहां की सुरक्षा को दरकिनार किया हुआ है। बांध के मुख्य द्वार में प्रवेश करने के लिए यहां कोई रोक नहीं है। दूर दराज तक कोई सुरक्षा गार्ड यहां पर नहीं है और इस मामले में अधिकारी ये कहते हैं कि बांध की सुरक्षा जरूरी है लेकिन कर्मचारियों का अभाव है। हालांकि सड़कों की मरम्मत, सीसीटीवी आदि प्रमुख कार्यों के लिए 24 करोड़ 33 लाख रुपए के टेंडर जारी किए गए हैं। टेंडर होते ही काम शुरू कर दिए जाएंगे। पश्चिम राजस्थान का यह बांध असुरक्षित, सीसीटीवी कैमरे यहां पर नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड यहां पर बिल्कुल नहीं है। ऐसे में आत्महत्या के जो मामले हैं, आत्महत्या करने वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनता जा रहा है। कार्मिकों का कहना है, कार्मिकों का यहां पर अभाव है। सुमेरपुर का यह बांध असुरक्षित है। पश्चिम राजस्थान का बांध, सिक्योरिटी गार्ड यहां पर मौजूद नहीं है, सीसीटीवी की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं है। हालांकि टेंडर जारी कर दिए गए हैं और वो होते ही उसके बाद जो मरम्मत का कार्य है वो शुरू हो जाएगा। कार्मिकों का यहां पर अभाव है, नई नियुक्तियां नहीं हुई हैं, ये प्रशासन का कहना है। मरुसागर जवाई बांध की जो सुरक्षा है वो तो भगवान के भरोसे ही है। बांध तक जाने वाली जो सड़क है एक साल से क्षतिग्रस्त है। सीसीटीवी यहां पर नहीं है और इस वजह से आत्महत्या के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। प्रशासन का ये कहना है कि नई नियुक्तियां नहीं हुई हैं, यहां पर कार्मिकों का अभाव है। पश्चिम राजस्थान का जो बांध है वो असुरक्षित है, कोई सीसीटीवी की यहां पर व्यवस्था नहीं है। मरुसागर जवाई बांध की सुरक्षा यहां भगवान भरोसे, सिक्योरिटी गार्ड की यहां पर कोई व्यवस्था नहीं और बांध तक जो सड़क जाती है वो भी एक साल से क्षतिग्रस्त है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ चंद्रवीर सिंह उदावत जी जुड़ चुके हैं, अधिशासी अभियंता जो सुमेरपुर के हैं। चंद्रवीर जी, देखिए ये खतरे से खाली नहीं है कि जो सड़क है वो भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त है और जो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए भी कोई गार्ड नहीं है, सीसीटीवी फुटेज के लिए सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर नहीं है, इसलिए आत्महत्या के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ पर ज्यादा आत्महत्या के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और कब तक काम शुरू करवाया जाएगा ताकि आगे जो होने वाले हादसे हैं उनको रोका जा सके? हमारे जो है विभाग के ड्रिप योजना अंतर्गत 24 करोड़ के काम सुखद हुए हैं जी, और उसके साथ ही एक इस्काटा योजना के अंतर्गत 2.25 करोड़ के और काम हुए हैं जिसमें गेटरा ऑटोमाइजेशन का काम करेंगे, जगह जगह कैमरे लगाए जाएंगे जी, और पानी के एडवांस वार्निंग के लिए बेड़ा के पास नदी पर गेट लगा जाएगा जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से हमें सूचनाएं देगा जी, और रही बात
सुरक्षा चौकीदारी की, तो हमारे कंट्रोल रूम में आदमी बिल्कुल लगातार कायम रहते हैं। फ्लड फ्लड के दौरान अलग से श्रमिकों की व्यवस्था करके हम एडिशनल सिक्योरिटी और वाच एंड वार्ड को सुनिश्चित करेंगे। चंद्रवीर जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, इनका ये कहना है कि जल्दी ही सब काम शुरू होगा, सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी लगाए जाएंगे, नई नियुक्तियां होंगी।